भाई सब टीआरपी का उनका खेल है, सबको मजा आ रहा है इस चीज में। सबके लिए ऐसा है तो धरती पर कोई ऐसा पैदा ना हुआ जो हमें कपा दे। पहली बात वो ये कह रहा कि अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो ये सब, मतलब भाई क्या हो गया। होता है कि शरीर बहुत बड़ा हो और एक होता गुद्दा। मैं करता नहीं है भाई, जो गलत काम मैंने किया मान रहा हूँ। इन्फ्लुएंसर्स इतना आगे बढ़ रहे हैं, यूट्यूबर्स इतना आगे। हाल ही फिलहाल में घर से हुआ है एक बहुत ही शॉकिंग एलिमिनेशन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लवकेश कटारिया के एलिमिनेशन की। हालांकि लवकेश कटारिया का एलिमिनेशन अभी भी फैंस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट जब लवकेश मीडिया के सामने रूबरू हुए तो उन्होंने काफ़ी सारी पोलें खोली हैं बिग बॉस की। काफ़ी कुछ कहना है लवकेश का, क्या कुछ कहा है आइए बताएंगे आपको हमारे चैनल आई वी बस पे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले लवकेश से कहते हैं कि जैसा कि फैंस को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि आप बाहर हो चुके हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? जिस पे लवकेश यानी कि कटारिया का कहना है, भाई यार आप ही बताओ ना, क्यों ही होगा। मैं तो बस इसमें एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये सब कुछ टीआरपी का चक्कर है, अपने फेवरेट्स को आगे ले जाने का चक्कर है। बाकी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा समझदार है। जिसके बाद लवकेश से कहा गया कि पहले शिवानी, फिर विशाल और अब आप। जिस पे लवकेश कहते हैं, भाई क्लियर है सबको, सब कुछ समझ आता है। देखो ना, लास्ट वीक में रणवीर जी को इतनी पावर दे दी गई, बाहर वाला बना दिया गया और वही डिसाइड कर रहे हैं कौन होगा घर से बेघर, कौन होगा नॉमिनेट। पहले तो नॉमिनेशन टास्क में चीटिंग करता है अरमान की टीम ने और उसके बाद फिर सारी की सारी पावर दे दी रणवीर जी के हाथ में। सेम विशाल और शिवानी के टाइम भी यही कुछ हुआ था, भाई मैं बाहर वाला बना था, हालांकि पोल भी नहीं खुली उसके बावजूद मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली थी, यहाँ तक कि दोस्तों को चक्की पीसनी पड़ी थी, उसके बाद फिर ऑडियंस को भी मनाना पड़ा था, काफ़ी कुछ। लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो रहा, हम तो कब से कह रहे हैं कि हमें लग रहा है रणवीर जी बाहर वाले हैं। और भाई मेरे को एक बात नहीं समझ आ रही, ये जो बाहर वाला है यानी कि आखिरी वीक में जो बाहर वाला है वो शो कैसे जीत सकता है। इसके बाद लवकेश से पूछा गया कि आपके एलिमिनेशन पे एल्विश का क्या रिएक्शन था, जिस पे लवकेश कहते हैं क्या ही रिएक्शन होगा, वोटिंग के दम पे थोड़ी ना निकाल पाए हैं, दम होता तो निकाल के दिखाते, इन्होंने तो साफ साफ चीटिंग की है। जिसके बाद मीडिया कहती है कि घर में अभी भी कृतिका, नैजी, साई जैसे कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया और जिन कंटेस्टेंट को लग रहा था कि टॉप थ्री में देखा जाएगा आज वो बाहर है। जिसके बाद लवकेश कहते हैं कि भाई यार ऑडियंस सब जानती है, साई भाई तो यही यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वो इतनी दूर तक पहुंच गया, बताओ अब टॉप फाइव में बैठे हैं, उन्हें तो जीतना भी नहीं है, उन्हें तो अपने दोस्त यानी कि रणवीर जी को जिताना है। और मुझे तो समझ नहीं आता कि रणवीर जी को हमसे प्रॉब्लम क्या है। कुछ भी कह लो, टीवी वाले ये बात मानने को ही तैयार नहीं होते कि हम इन्फ्लुएंसर्स कैसे इतना आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद लवकेश से ये कहा गया कि सना मकबूल, जैसा कि वो अकेली बची हैं आपके ग्रुप से, आपके ग्रुप को बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला था, उस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सना मकबूल का ही तो हाथ है इन सभी एलिमिनेशन पे। जिस पे कटारिया कहते हैं, देख भाई मैं दोस्त मानता हूँ तो मैं दोस्ती दिल से निभाता हूँ, मुझे जो बात गलत लगती है मैं वो मुंह पे बोलता हूँ और आपने कई बार देखा भी होगा वीकेंड के वार पे, मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की है कि जिस तरीके से तू बोलती है वो बहुत ही ज़्यादा फेक लगता है, भाई यार हम तो दोस्ती यारी और भाईचारे में सब कुछ करते हैं। इसके बाद विशाल ने ये तक बोला है कि शो से निकलने के बाद वो आपसे बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने उन पर सवाल उठाया था उस पर आपका क्या कहना है। तो लवकेश कहते हैं, नहीं अभी हमारी मुलाकात तो नहीं हुई है, हाँ लेकिन ज़रूर मिलेंगे, भाई बनाया है और दोस्त ऐसे थोड़ी ना छोड़ते हैं, ज़रूर मिलेंगे, जो भी गिला शिकवा होगा उसे बातचीत करेंगे और सब सॉर्ट आउट होगा। इसके बाद लवकेश से पूछा जाता है, आपको क्या लगता है अब शो कौन जीत सकता है, जिस पे लवकेश कहते हैं, भाई कोई भी जीत जाए, बिग बॉस जिसे जिता दे। जी हाँ, और भी काफ़ी कुछ कहा है लवकेश ने अपने इंटरव्यू में, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब।